अब से ठीक एक साल पहले 7 अक्टूबर के दिन जब हमास के लड़ाकों ने गाजा की सीमा पार करके इसराइल में धावा बोला था, तब ये हमला जल, थल और नभ तीनों जगहों से एक साथ किया गया था, जिसकी इसराइल को भनक तक नहीं लग पाई थी। इसके बाद छिड़ी जंग में इसराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसमें अभी तक 42,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीन के खिलाफ छिड़ी ये जंग अब मध्य पूर्व यानी लेबनान और ईरान तक फैल चुकी है। इस जंग के तो अब एक साल भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल इसके थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हमास और इसराइल के बीच छिड़ी इस जंग में अमेरिका कूटनीतिक रूप से मध्यस्थ बनकर युद्ध को हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही दुनिया भर में लोग इस संघर्ष पर बहस कर रहे हैं, जिसको लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इस संघर्ष के बारे में बहस तेज हो गई है। ऐसे में अब अमेरिका की इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्रों के प्रति नीति के बारे में लंबे समय से चले आ रहे सवालों को फिर से सामने ला दिया है। सवाल ये है कि अमेरिका इस क्षेत्र में क्या कर रहा है, इस क्षेत्र के लिए अमेरिका का लक्ष्य क्या है और संयुक्त राज्य अमेरिका इसराइल हमास युद्ध पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका इसराइल हमास युद्ध में शामिल है। दरअसल इसराइल हमास युद्ध के दृश्य पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं और सच ये है कि अमेरिका इस संघर्ष में कई तरह से शामिल है, क्योंकि सबसे पहले 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल पर हमला करने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली लोगों के साथ अपनी हार्दिक एकजुटता व्यक्त की थी। उन्होंने अमेरिकी सैन्य बलों को इस क्षेत्र में जाने का आदेश दिया था। विशेष रूप से उन्होंने यूएस गेराल्ड आर फोर्ड वाहक युद्ध समूह को पूर्वी भूमध्य सागर में जाने का आदेश दिया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, जिसमें सभी जहाज और विमान शामिल हैं। अब इनमें से कोई भी सैन्य गतिविधि विशेष रूप से अमेरिकी बलों को इजरायलियों के साथ लड़ने के लिए नहीं थी। उनका स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में इजरायल के अन्य विरोधियों को ये संदेश देने का इरादा था कि इजरायल और गाजा पट्टी से परे संघर्ष को व्यापक बनाने के लिए उठाए गए किसी भी कदम का अमेरिका द्वारा जोरदार जवाब दिया जाएगा। और ये संदेश विशेष रूप से हिजबुल्ला को निर्देशित किया गया था, जो एक लेबनानी संगठन है। ये 1980 के दशक की शुरुआत में अस्तित्व में आया, जो प्रतिरोध की धुरी कहलाने वाले संगठन का हिस्सा है, जिसका हमास भी एक हिस्सा है। और ईरानियों को, जो प्रतिरोध की धुरी के संरक्षक हैं, उनको स्पष्ट रूप से ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि संघर्ष को बढ़ाना हिजबुल्ला या ईरान के प्रयासों में से किसी में भी नहीं है। ऐसे में ईरान का पूरा लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पूर्व से बाहर निकालना है। हालांकि जब से इस इलाके में युद्ध छिड़ा है, तब से अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहरा रुख अख्तियार किया है। एक तरफ जहां गाजा के खिलाफ युद्ध में इजराइल को खुली छूट दी गई, वहीं दूसरी तरफ युद्ध को बढ़ाने से रोकने के लिए अमेरिका ने राजनयिक व सैन्य संसाधनों को झोंका है। जब इजराइल ने नरसंहार के आरोपों का सामना करते हुए गाजा के खिलाफ एक विनाशकारी व असंगत युद्ध छेड़ा, तो बाइडेन ने अमेरिकी गठबंधन को सलामत रखने के लिए विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन को कई बार इस इलाके में भेजा। ऐसे में ये सवाल उठने लगा कि इजराइल अमेरिका के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता कैसे बन गया है। तो आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती जग जाहिर है। अमेरिका ने इजराइल की स्थापना के समय से ही उसका समर्थन करना शुरू कर दिया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन 1948 में इसराइल के निर्माण के समय इसे मान्यता देने वाले पहले वैश्विक नेता थे। हालांकि अमेरिका ने ये सब रणनीतिक फायदे के लिए किया था। अमेरिका भले ही इसराइल को कितना भी भला बुरा कहे, लेकिन उसकी मदद को वो हमेशा आगे रहता है। हमास, लेबनान और ईरान के खिलाफ इजरायली हमले का भी अमेरिका ने समर्थन किया है। भले ही राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस लगातार इजरायल विरोधी बयान देते रहे हैं। जब इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्ला सरगना हसन नसरल्ला को मार गिराया, तब भी अमेरिका ने सख्त नाराजगी जताई थी, लेकिन इसके बाद ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से इजरायल की रक्षा के लिए खुद जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को निर्देश जारी किए थे। टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड प्रणाली को तैनात करने का अमेरिका का फैसला भी उसके सहयोगी की नाजुक सुरक्षा स्थिति की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही अमेरिकी जनमत लंबे समय से इसराइल के पक्ष में और फिलिस्तीनियों के खिलाफ झुका हुआ है। अमेरिका में कई संगठन हैं जो इसराइल के लिए अमेरिकी समर्थन की वकालत करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से शक्तिशाली अमेरिकी इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी यानी AIPAC है।
फिलहाल युद्ध विराम की तमाम कोशिशों के बीच हूती से लेकर हिजबुल्ला तक कुल 12 महीने के युद्ध के बाद इसराइल अभी भी अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाया है। हमास अब भी इसराइल पर रॉकेट दाग रहा है। ऐसे में अमेरिका को अपने सहयोगी की सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी लगा है। ये कदम इस तर्क को भी रेखांकित करता है कि इसराइल सुरक्षा और रक्षा के लिए अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर है, जो वाशिंगटन को तेल अवीव पर पर्याप्त बढ़त देता है। कुछ अजीब वजहों से बाइडेन प्रशासन ने अब तक उस बढ़त का इस्तेमाल करने से इनकार किया है, जबकि इसराइल गाजा, पश्चिमी किनारे सीरिया और लेबनान में दुश्मनता पर उतारू है। ऐसे में जब तक वाशिंगटन अपने निकटतम सहयोगी पर लगाम नहीं लगाता, तनाव में वृद्धि का ये चक्र अमेरिका को इस संघर्ष में और गहराई तक खींच सकता है, जिसके सभी पक्षों के लिए विनाशकारी नतीजे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।